सावन जो पूरा ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम द ग्रेट उस्ताद इस्लामुद्दीन साहब के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन विद jollygull.com एंड jollygull.com इज सपोर्टिंग सो मेनी इनिशिएटिव। एक ठुमरी की मेलेडी थी, मैंने उसको सुनाया, उसने कहा कि सर इसको फ्यूजन बनाते हैं। फरहान ने कहा कि इसको आगे बढ़ाते हैं। वो आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर म्यूजिशंस बढ़ा लिए, तो इस तरह हम लोगों ने मेल मिला के फिर इसको बनाया। आज जो हम जमा हुए हैं शूट के लिए, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए और फरहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए हम कई साल से प्लान कर रहे थे, और आज वो माशाल्लाह से तकमील में पहुंच गया है। फरहान शाह के साथ और शाहिद के साथ इस सॉन्ग में कोलैबोरेट कर रहा हूं। I was invited on board with this track to bring some contemporary choral elements to the latter half of the piece as it's starting to build momentum. When I first heard the song, I knew that I had to create something with the dance that was not so heavy on choreography. That's kind of not the point of what I'm expressing as a dancer, but more taking the poetry that's in the song. And so a lot of what you'll see in the dance piece is slow movement and expression and movement that conveys what the poetry is saying. इसको हम ये कहेंगे कि इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, ये क्योंकि ये बेसिक क्लासिकली है, ठुमरी कहलाती है, और हमारे दोस्त हैं फरहान, तो इस्लाम साहब ने मिलके और इन्होंने ये गाना बनाया, मुझे भी सुनाया, तो बहुत उम्दा कंपोज। तो फरहान भाई ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये बजाएंगे नहीं, अलबत्ता बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा बजे। मैं इस प्रोजेक्ट में ड्रम्स बजा रहा हूँ, और शाहिद के साथ काफ़ी सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, उड़न खटोला में भी हम साथ बजाते हैं। इट्स लाइक यू नो अ मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी साउंड। सो कभी ठुमरी का ये अंदाज़ जो है, क्योंकि एक दिमाग में एक साउंड थी, मैं और शाहिद हमेशा सोचते थे कि हम ऐसी एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और वो इस्लामुद्दीन साहब के साथ मुमकिन हुआ। बहुत खूबसूरत है, राग देश में कंपोज्ड है, और इसकी फील बहुत खूबसूरत है, कॉर्डल अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले हैं तो ज़रूर इसे सुने, इन्जॉय कीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए